हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेवेन्यू मैनेजमेंट, ओटीए मैनेजमेंट, चैनल मैनेजर, एक्स्ट्रानेट, ओटीए क्या होता है, रेट्स एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट, कॉम्पसेट, लिस्टिंग, ऑनबोर्डिंग, पीएमएस, ये सब है क्या, एक होटल में किस प्रकार ये काम करता है। अपने होटल को ऑनलाइन में लिस्टिंग कराने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसके क्या पद्धति है, इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी एकदम सरल भाषा में आपको समझाने की। कई सारे कमेंट्स आता है मुझे यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में, यहाँ तक आज ही मुझे फरीदाबाद से कॉल आया, कोई डिजिटल मार्केटिंग एक नाम है कंपनी का, शेयर करना अच्छा नहीं रहेगा, उनको बुरा लग सकता है। वो मेरा वीडियोस देख रहे थे क्योंकि उनको किसी होटल में कुछ काम करके देना था, कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा। उन्होंने मुझे टाइम दिया तो उन्होंने मुझे मेरे से नंबर मांगा, तो मैंने नंबर भी शेयर किया। इसके बाद उन्होंने बताया कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो जहाँ तक मुझे पता था हमने उनको बताया और शायद वो कल भी कॉल करेंगे हमें अगर समझ में नहीं आया तो। खैर, तो हमें लगा कि ये टॉपिक ने बड़ा इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ नॉलेजेबल है और आज के डेट में रेलेवेंट है, मतलब डिमांड है इस टॉपिक का। तो बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम बिमल है और इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए आप सभी हमें सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो हमें प्लीज़ फॉलो करें, लाइक करें, थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपका एक होटल है, आपके होटल में हो सकता है कि 40-50 रूम हो या उससे भी ज़्यादा, कई सारे आउटलेट्स होंगे। ये सारी चीज़ें थोड़ा टेक्निकल है लेकिन हम इस तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप समझ जाएँ। मान लीजिए आपका एक होटल है, अब आप चाहते हैं कि आपका ऑनलाइन से बुकिंग आए, ज़रूरी नहीं है कि आपके होटल में हमेशा ऑफलाइन बुकिंग आए। अब ऑफलाइन क्या होता है, चलिए इस पर भी डिस्कस करते हैं। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको, यकीन मानिए। तो जब आप होटल खोलते हैं तो आप ज़रूर चाहेंगे कि आपका रूम्स का सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो, रेवन्यू ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो रूम्स को सेल करने के लिए आपको अपने होटल को ऑनलाइन में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? तो उसे कहते हैं ऑनलाइन सेल, और भी बहुत कुछ कहते हैं, हम बताएंगे अभी, पहले ऑफलाइन के बारे में बात करते हैं। मतलब आपने होटल खोला और जो भी गेस्ट बिना इंटरनेट के डायरेक्टली आपके होटल में आते हैं बिना ऑनलाइन में बुकिंग किए, तो उसे कहते हैं ऑफलाइन बुकिंग। हो सकता है कोई डायरेक्टली जान पहचान था, उनको फ़ोन करके आ गए, तो उसे कहते हैं ऑफलाइन बुकिंग। अब आप चाहेंगे कि इसे हम ऑनलाइन में लेके जाएं ताकि कोई अगर गूगल में सर्च करे, हमारा होटल का नाम डालते हैं, होटल ए बी सी डी, जो भी आप नाम देते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक, तो ऑनलाइन में ही आपके होटल के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। आपका होटल कहाँ पर लोकेटेड है, कितने रूम्स है, आउटलेट्स क्या है, क्या नाम है, रेट्स क्या है, कैसे बुक कर सकते हैं, और कई सारी चीज़ें सब कुछ ऑनलाइन में देख सकते हैं, बुक कर सकते हैं, तो काम आसान हो जाता है। अब बिना ऑनलाइन में अपडेट किए, ऑनलाइन में आप अपने होटल को सेल नहीं करेंगे तो कितना बिजनेस आएगा आपको, तो करना पड़ेगा। हाँ, 5-6 रूम, 10 रूम है तब तो अलग बात है, चाहे आपका होटल है, रिजॉर्ट है, विला है, जो भी है, अगर ज़्यादा इन्वेंटरी है तो आपको ऑनलाइन में लेके जाना पड़ेगा। आप ऑनलाइन में जो लेके जाते हैं, अब ऑनलाइन में बहुत सारे पोर्टल है, अब पोर्टल क्या होता है, जैसे ओटीए, कई सारे हैं, जैसे कि आप जानते होंगे एड्स वगैरह भी आते रहते हैं टीवी में, मेक माई ट्रिप, गोइबिबो, yatra.com, ट्रैवल गुरु, booking.com, agoda.com, expedia, और इज माई ट्रिप, हैप्पी इजी गो, बहुत सारे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब है OTA, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स। अब सवाल आता है कि हम अपने होटल को किस प्रकार से OTA में लिस्टिंग करें। हमने आपको कहा था ना शुरुआत में कि लिस्टिंग क्या होता है, मतलब लेट्स सपोज कोई मेक माई ट्रिप में जाता है, मेक माई ट्रिप में जाने के बाद सिटी का नाम डाला। अब उदाहरण के तौर पर आपका होटल है देहरादून में, देहरादून में, और मान लीजिए आपके होटल में जो रूम्स हैं, जो कमरे हैं, उसका रेट्स करीबन 3,000-4,000, इससे कम मान लेते हैं, ठीक है, इससे भी कम मान लेते हैं थोड़ा, मान लीजिए 2,000 के आसपास आपका रूम रेट है। तो जब कोई देहरादून में जाएंगे तो उनका अगर कस्टमर का बजट है 2,000-2,500 या 1,500 रुपया, तो आप मान लेते हैं कि मैक मे ट्रिप से बुकिंग करना चाहते हैं, वही वो ट्रैवल करो, चाहे किसी भी पोर्टल से बुकिंग करना चाहते हैं, तो वो लोकेशन डेस्टिनेशन डालेंगे, उनको तो पता नहीं है होटल का नाम कि चलो हमें इसी होटल में जाना, हो सकता है कोई पहली बार जा रहे हैं तो उनको तो पता नहीं होगा।
तो जैसे ही देहरादून डालते हैं और वहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन भी रहता है, लोग चाहे अपने बजट के हिसाब से उसे कस्टमाइज कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो उस बजट का होटल्स है उस लोकेशन में, पर्टिकुलर उस सिटी में, तो वो सारे होटल्स वहाँ पर दिखने लगेंगे ऑनलाइन में, चाहे वो किसी भी पोर्टल में हो। ठीक है, तो आपका होटल उस लिस्टिंग में आने के लिए, उस लिस्ट में आने के लिए, सर्च लिस्ट में आने के लिए आपको तो कुछ करना होगा ना इसके लिए। तो कैसे करें, सवाल आता है, करना कैसे है, पता तो नहीं है। इसलिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आता है, यहाँ तक कि कुछ होटल्स के जो मालिक है, ओनर है, वो लोग भी मुझे मैसेज करते हैं और फेसबुक में भी करते हैं। तो जितना तक मुझे पता रहता हम बताते हैं, जो नहीं पता रहता हम मना कर देते हैं। खैर, तो अब देखिए करना क्या है, अब यहाँ से खेल स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके लिए आपको ना किसी एक्सपर्टिस से बात करना होगा। अब मान लीजिए आपका एक होटल है 50 रूम से, उसमें आप चाहते हैं कि आपको ऑनलाइन पोर्टल में लेके जाना है, हा? तो अगर आपके जान पहचान में कोई है तो ठीक है। ठीक है, आप गूगल में लिख सकते हैं मैकमेट्रिप रजिस्ट्रेशन लिस्टिंग वाइबो बुकिंग डॉट कॉम ट्रैवल गुरु, ये सब आप जब लिखेंगे तो गूगल में आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको वहाँ पर उतना समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है, इसलिए आप किसी का हेल्प लीजिए। आप कोशिश करें किसी मार्केट मैनेजर से बात करने के लिए। और आजकल बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो रेवेन्यू मैनेजमेंट को मैनेज करते हैं, किसी होटल को मैनेज करते हैं, ऑनलाइन का रेट इन्वेंटरी मैनेज करना, क्या रेट्स डालना चाहिए, फोटोज अपलोड करके देना, सब कुछ ऐसे ऑनलाइन में ऑनबोर्ड किया जाता है, ये सारी चीज़ें एक कंपनी करके दे देती है। तो आपको अगर पता होगा तो ऐसे कंपनी के साथ आप कॉन्टैक्ट करें। आप लिख सकते हैं गूगल में रेवेन्यू मैनेजमेंट कंपनीज, रेवेन्यू मैनेजमेंट सोल्यूशन, ऐसा कुछ लिखेंगे तो ऑटोमेटिक बहुत सारे कंपनीज का नाम आ जाएगा। आप किसी भी कंपनी के साथ बात कर सकते हैं, या फिर किसी होटल में आप किसी रेवेन्यू मैनेजर के साथ बात करें, या फिर किसी फ्रंट ऑफिस मैनेजर के साथ बात करें, या फिर किसी से भी बात कर सकते हैं, जैसे कि GM हो, उनको पूछिए कि हमने ऐसा होटल खोला है, ऐसा ऐसा करना है, मुझे अपने होटल को ऑनलाइन में लेके जाना, तो क्या करना पड़ेगा, आपको मदद तो कर ही देंगे मुझे ऐसा लगता है। या फिर इसके अलावा और भी आपके पास कुछ नॉलेज है तो कर सकते हैं आपके अपने तरीके से। ठीक है, अब आपको ज़रूरत पड़ने वाला है चैनल मैनेजर, इसके साथ PMS। अब देखिए, जब कोई होटल खोलते हैं तो उनको तो पता ही रहता है ना कि मुझे PMS चाहिए, हम किस सॉफ्टवेयर में होटल को मैनेज करेंगे, बिलिंग करने के लिए, कैशरिंग करने के लिए। अब किसी भी पोर्टल में, किसी भी पोर्टल मतलब हम OTA के बारे में बात कर रहे हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है हमें यहाँ पर, आपका PMS कौन सा है, चैनल मैनेजर कौन सा है, किसी भी ऑनलाइन पोर्टल में ले जाने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो PMS मान लीजिए जो भी हो, चाहे वो ओपेरा हो, IDS हो, WinHMS हो, iCloud हो, चाहे जो भी हो, तो वो लोग आपको पूछेंगे। तो अब मान लीजिए आपने किसी मार्केट मैनेजर से, आप मार्केट मैनेजर किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो OTA होते हैं, तो हर OTA का रीजनल मार्केट मैनेजर होता है जो उस रीजन को देखते हैं, अलग अलग जोन का अलग अलग आपको BDM मिल जाएंगे। अब BDM क्या होता है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, तो इसे हम मार्केट मैनेजर भी बोल देते हैं। खैर जो भी हो, तो आप मान लीजिए उन लोगों से आपकी बात हो गई है, तो वहाँ से आपको आपके ईमेल में मेल करेंगे, अग्रीमेंट कॉपी देंगे, भेजेंगे। जितने सारे पोर्टल्स हैं, जैसा कि हमने कहा एक्सपीडिया, अगोडा, booking.com, ट्रैवल गुरु, yatra.com, हालांकि इसमें से कुछ मर्ज हो गए हैं, लेकिन हम इसे ओवरऑल नाम बता रहे हैं आपको, इज माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, वाइबो। तो हर पोर्टल से आपको उस कंपनी के जो मार्केट मैनेजर है, जो BDM है, आपको मेल करेंगे आपके ईमेल आईडी में और अग्रीमेंट कॉपी देंगे टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में। अब क्या होता है, जब आपको अग्रीमेंट कॉपी आपको मेल में भेजेंगे, वहाँ पर क्या क्या देना पड़ता है थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि उस होटल का GST डिटेल्स, कैंसिल चेक चाहिए होगा, पैन कार्ड चाहिए होता है, इसके बाद चैनल मैनेजर कौन सा है, PMS कौन सा है, अगर प्रॉपर्टी लीज में है तो उस लीज का जो अग्रीमेंट कॉपी होता है वो भी चाहिए होता है, लाइसेंस वगैरह, तो 5-6 चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो आपको जो अग्रीमेंट कॉपी देंगे उसमें आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करके देना होगा, जैसे कि आपका होटल का नाम किसके नाम में है, ये ओनर कौन है इस होटल का, और ये सब देने के बाद कुछ इन्वेंटरी के बारे में आपको बताना होगा कि कितने रूम से, कैटेगरी क्या है। हालांकि हर पोर्टल में आपको डिटेल्स सबमिट नहीं करना पड़ता है, अगर आप चैनल मैनेजर में ऑलरेडी डिटेल्स दे कर रखा है तो। अब देखिए क्या होता है, जो चैनल मैनेजर होता है ना, आप कई सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि चैनल मैनेजर क्या होता है, हमने पहले भी वीडियो बनाई है,
खैर आज भी हम बता रहे हैं, चैनल मैनेजर उसे कहते हैं जैसे कि 8-10 OTAs है ना, 8-10 पोर्टल्स है जो हमने आपको नाम बताया। तो क्या ये पॉसिबल है कि हर पोर्टल में जाके और अपडेट करना, रेट्स एंड इन्वेंट्री मैनेज करना कि आज हमारे होटल में ना 10 रूम अवेलेबल है, इस कैटेगरी की प्रीमियम रूम 15 है, तो आपको हर OTA में जाके अपडेट करना होगा ना डेली बेसिस में, तब तो लोग बुकिंग करेंगे जाकर। आप मान लीजिए आज के डेट में आपका होटल बुक हो चुका है, कम्प्लीटली सोल्ड आउट है, तो ऑनलाइन में अगर आप खोल कर रखेंगे कि आज हमारा होटल में, ठीक, आज हमारे होटल में इतने रूम्स, इतने कमरे खाली है, तो बुकिंग आ जाएगा। तो बुकिंग जब आ जाएगा ऑनलाइन से, तो आप बुकिंग रूम्स कैसे देंगे, तो उसके लिए बंद करना पड़ेगा ना आपको। तो क्या ये मुमकिन है सारे पोर्टल में जाकर आपको रियल टाइम इन्वेंट्री अपडेट कर देना कि अभी हमारे होटल में इस वक्त 2 रूम खाली है या फिर सोल्ड आउट हो गया? नहीं कर सकते, समय लगता है बहुत, एक एक पोर्टल में लॉगिन करना, अपडेट करना, टाइम लगेगा। तो ये सारे चीज़ों को एक्युमुलेट करके एक प्लेटफॉर्म में वन क्लिक में अपडेट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है चैनल मैनेजर। अब चैनल मैनेजर क्या क्या है इंडिया में, कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि स्टार काफ़ी लोग पसंद करते हैं, बड़े बड़े होटल में स्टार मैक्स यूज़ करते हैं, इजी सेंट्रिक्स, रेड टाइगर, और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, उतना मुझे पता नहीं। तो इसमें क्या होता है, जब आप चैनल मैनेजर के साथ आप बात करेंगे, आप अपने होटल में चैनल मैनेजर रखना चाहते हैं, तो जो चैनल मैनेजर के जो BDM होते हैं या फिर जो भी वहाँ के टीम मेंबर रहेंगे, शुरुआती तौर पर आपसे पूरा डिटेल्स ले लेंगे, एक एक चीज़ डिटेल्स लेंगे आपके होटल का, सब चीज़, हर चीज़ आपसे पूछेंगे। पूछेंगे मतलब आपको फॉर्म देंगे और आपको वहाँ पर फिलअप करते जाना है, काफ़ी वक्त लगता है इसमें। तो जब आप चैनल मैनेजर में फोटोज़ के साथ में, तो चैनल मैनेजर में आपने पूरा डिटेल्स दे दिया, अब क्या होता है, आप बाकी सारे जो OTAs है जब आपके साथ टाइप करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आप अपना होटल लिस्टिंग करते हैं जब इन सारे पोर्टल्स में, तो वो लोग उस चैनल मैनेजर से सिंक कर लेता है, पिकअप कर लेता है, डिटेल्स वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं, या फिर ये कैसे करते हैं ये अपना चैनल मैनेजर या फिर BDM वगैरह, वो लोग किस तरह से करते हैं मुझे नहीं पता, पर वो लोग कर लेते हैं, क्योंकि हर पोर्टल्स को डिटेल्स देना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, ये तो हो गया। तो आपने हर पोर्टल्स को जो अग्रीमेंट कॉपी होता है वहाँ पे आपको पढ़ना होगा कि क्या कमीशन लेने वाले हैं, आपको पढ़ के आपको वहाँ पे साइन, होटल का सील मार के आपको वापस स्कैन करके भेजना होता है। कोशिश करें आप जब भी आप अपने होटल को ऑनबोर्ड कराना चाहते हैं ऑनलाइन में, तो जो आपको अग्रीमेंट कॉपी दिया जाता है, तो उस BDM से बात करें, मार्केट मैनेजर से, कि कमीशन को रिड्यूस करें, आपने जो भी डिटेल्स दिया है वो लोग उसे लिस्टिंग करेंगे, ऑनलाइन में अपडेट करेंगे, तो ये होने में करीबन 7-10 दिन लग जाएगा। अब मान लीजिए आपने नया नया होटल खोला था, चैनल मैनेजर भी कर लिया, PMS भी आपके साथ में है, और सारे पोर्टल के साथ में आपने अग्रीमेंट कर लिया है, आप ये जो चैनल मैनेजर जो है, अब मान लीजिए आप स्टार यूज़ कर रहे हैं या फिर इजी सेंट्रिक्स या फिर रेड टाइगर, जो भी है, अलग अलग कंपनी हो सकते हैं, तो अब वो लोग क्या करेंगे, जो OTA का जो मार्केट मैनेजर है, BDM है, और जो चैनल मैनेजर का जो भी टीम मेंबर होते हैं जो मैनेज करते हैं, वो लोग अपने आप में डिस्कस करेंगे कैसे क्या करेंगे, वो लोग अपने आप में कर लेंगे, और ज़रूरत पड़ने से फिर होटल वाले को फ़ोन करते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है तो वहाँ से लेके ये आपको करके दे देंगे। 10 दिन 15 दिन, 1 महीना लग सकता है। इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे आपको ऑनलाइन से बुकिंग आना चालू हो जाएगा, आपका होटल दिखने लगेगा ऑनलाइन में, आपको अच्छा लगेगा, गूगल में दिखने लगेगा। अब मान लीजिए आपका होटल दिल्ली में है, कहीं पर भी है, वो फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी हो, जब कोई गूगल में सर्च करते हैं तो आपको साइड में दिखने को मिलता है सारे OTAs का नाम है, और साइड में आपको प्राइस देखने को मिलता है कि यहाँ पर इस होटल में इतना प्राइस है, डेट के साथ में आपको प्राइस भी देखने को मिलता है, तो लोग वहाँ पर डेट डालेंगे, चेक इन डेट, चेकआउट डेट, और साइड में दिखने लगा कि हाँ इस होटल में ये रेट है। तो उस रेट को मैनेज कहाँ से किया जाता है, आप बताइए कहाँ से किया जाता है, हमने आपको बता दिया, अभी हर पोर्टल में जाके करना पॉसिबल तो है नहीं, तो करना कहाँ से है, करना है ये हमें चैनल मैनेजर से। ठीक है, तो अब वहाँ पे OTAs के अलावा एक अपना होटल के वेबसाइट होता है, उसे हम कहते हैं बुकिंग इंजन। मतलब बुकिंग इंजन ये होता है आपका पर्सनल हो, आपका पर्सनल होटल का आपने एक बुकिंग इंजन बना कर रखा है जो ऑफिशियल है, उसमें अगर कोई बुकिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको किसी को कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी
ऑनलाइन में दिख रहा है रेट्स, या फिर यहाँ पर ये रूम इस कैटेगरी में इतना रूम्स अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें रेट्स एंड इन्वेंट्री के अंदर आता है जो हमें मैनेज करना पड़ता है कहाँ से, चैनल मैनेजर से। और अगर किसी होटल में चैनल मैनेजर ना हो तो क्या करेंगे, हर होटल हर पोर्टल में जाके इंडिविजुअली आपको अपडेट करना होगा। टाइम लग सकता है पर हाँ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मुमकिन नहीं है पर हाँ कर सकते हैं, और कई सारे होटल में करते भी हैं। यहाँ तक अगर कोई छोटा मोटा होटल अगर चैनल मैनेजर मैनेज करना शुरू कर दे तो काफ़ी पैसा देना पड़ता है महीना में। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा नेट क्या होता है। देखिए अभी जो हमने अभी डिस्कस किया OTA के बारे में, जहाँ से बुकिंग करते हैं लोग, किसी को पसंद है मेक माई ट्रिप, किसी को पसंद है क्लियर ट्रिप, किसी को पसंद है ट्रैवल गुरु, किसी को पसंद है yatra.com, एक ही है हालांकि ये सब, अगोडा, booking.com, expedia.com, इज माई ट्रिप, हैप्पी इजूगो, तो जिसको जहाँ पसंद होता है वो लोग वहाँ पे जाके बुकिंग करना चाहते हैं, बुकिंग करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करना है किसी पर्टिकुलर पोर्टल में, मान लीजिए booking.com में, तो booking.com में जाने के लिए जो आपको लॉगिन क्रेडेंशियल दिया जाएगा, मतलब लॉगिन पासवर्ड तो होगा ना, पासवर्ड और लॉगिन आईडी, यूजर नेम, तो उसी को कहते हैं, ठीक है, तो उसी के कहते हैं एक्स्ट्रानेट। अब एक्स्ट्रानेट हर पोर्टल का अलग अलग आपको एक्स्ट्रानेट मिलेगा। अगर आपके पास चैनल मैनेजर नहीं है मान लीजिए, या फिर है भी तो, लेकिन कभी ना कभी आपको ज़रूरत तो पड़ेगा ना एक्स्ट्रानेट में जाने के लिए, कुछ फोटो वगैरह अपडेट करने के लिए, या फिर रिव्यू आया हुआ है ऑनलाइन से, फीडबैक आया है, अलग अलग पोर्टल में फीडबैक आते रहता है बुकिंग आने से, तो वहाँ आपको रिप्लाई भी करना पड़ेगा, या फिर booking.com में कमीशन कितना बना है, इनवॉइस जनरेट होता है महीना महीना में, क्योंकि booking.com एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ प्रीपेड बुकिंग नहीं होता है, ये सारे पे एट होटल होता है, मतलब होटल में आने के बाद कस्टमर गेस्ट पेमेंट करते हैं होटल में, और जो भी कमीशन बनता है वो हमें महीने महीना होते ही बिल भेज देते हैं booking.com से। वो बिल कहाँ पे मिलेगा आपको, वो इनवॉइस आपको देखने को मिलेगा एक्स्ट्रानेट में। अब हम बात करेंगे कॉम्पसेट क्या होता है, हालांकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। कॉम्पसेट उसे कहते हैं जैसे कि आपका होटल ना 2-स्टार कैटेगरी में आता है, ठीक है, तो फिर आपके आपके होटल को कौन कम्पीट कर रहा है, यानी कि कौन कंपटीशन में है, आपका कंपटीटर कौन है, तो उसे रेवेन्यू मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं, इस सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना एक्सपर्टी, तो एक्सपर्ट लोग होते हैं जो रेवेन्यू मैनेजमेंट कंपनी होते हैं, या फिर होटल में भी रेवेन्यू मैनेजर होते हैं, वो लोग इस चीज़ को मैनेज करते हैं, ठीक है, तो वो लोग बड़ा एक्सपर्ट होते हैं। तो रेवेन्यू मैनेजर जो होते हैं या फिर रेवेन्यू मैनेजमेंट के जो कंपनी को आपने दे के रखा है अपने होटल को मैनेज करने के लिए, वो लोग कॉम्पसिट तैयार करते हैं, यानी कि आपका मान लीजिए होटल है 2-स्टार 3-स्टार, तो उसी होटल में आपको देखना होगा ना, हाँ इस होटल में कितना रेट में रूम्स बेच रहे हैं, क्या वो होटल सोल्ड आउट है, उस हिसाब से फिर आपका जो होटल का जो रूम्स का रेट है, इन्वेंट्री है, उस हिसाब से फिर रेट डिसाइड किया जाता है कि हाँ हमें आज इतना रेट रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आज के डेट में होटल सोल्ड आउट है, तो फिर हम, तो जाहिर सी बात है अगर ये सारे होटल सोल्ड आउट है तो उसके बराबर हमारा होटल भी आता है, तो लोग हमारे होटल में आने की कोशिश करेंगे, तो फिर उस समय रेट को उस प्रकार से ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, कम ज़्यादा उस समय रेवेन्यू मैनेजर करते हैं, तो इसे कहते हैं कॉम्पसेट। अब हम बात करेंगे ऑनबोर्डिंग क्या होता है। ऑनबोर्डिंग वही चीज़ है जो हम अभी बता रहे थे कि होटल को लिस्टिंग करना, ऑनबोर्ड करना, मतलब अभी तक तो आप ग्राउंड में थे, आप ऑनलाइन में चले गए, आप ऊपर चले गए, तो ऑनबोर्ड लोग बोलते हैं ना, वेलकम ऑनबोर्ड। आने वाले दिनों में आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए कृपया कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, एक पॉइंट आप जरूर लिख के बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।